हेलो एवरीवन, स्टार्ट करिया पजल्स रो क्लास नंबर 1। आपणकर रीजनिंग रो बैच चली, बहुत सारा टॉपिक्स आम कंप्लीट कर सारी। आज आम स्टार्ट करिया पजल्स। एटा सेटिंग अरेंजमेंट नो, एटा होची स्पेसिफिकली पजल्स रो क्लास। आपण चेक करि पडथुवे एटी पजल्स रो आज होची क्लास नंबर 1। टोटल दीटा क्लास आम करिया पजल्स रो, दीटा नहीं तीनटा क्लास करिया। टोटल पजल्स रो आम तीनटा क्लास करिया, थ्री क्लासेस ऑफ पजल्स। तापर सेटिंग अरेंजमेंट आपको गोटे क्लास मुझे करी, गोटे और एल्स दुटा क्लास है। आपर पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इन डिटेल्स कम्प्लीट हो ना। बिगिन करिया क्लास। यहाँ हूँ आपंकर प्रथम सेट। मुझको सब आप्रोच बतेवि पजल्स केमी सल्व कराव, स्मार्टेस्ट आप्रोच, बेस्ट आप्रोच आपको शिखा हे। आपको पजल्स क्वेश्चन में असुविधा हेनी, ठीक अच्छे। टी गोटे मिनिट मुझे देखो यही क्वेश्चन टा आपर आसी एई जो एई पर्टिकुलर सेटा एटा होची ओ डबल एस सी सी जी एल 2023 प्रिलिम्स सेटा। एटा होची एक्चुअल क्वेश्चन टा, ठीक अच्छे। एक्चुअल क्वेश्चन टा एटा देखंतु, एठी मार्क करंतु क्वेश्चन नंबर 6-10। माने जदि गोटे पजल आपण कर दोचंती, मार्क माय वर्ड्स केयरफुली बोले, जदि गोटे पजल आपण करूचंती रीजनिंग रे, ताहाले आपण पांचटा क्वेश्चन करि पाउचंती। पांच मार्क खाली गोटे पजल रु हेगला, खाली टेबुल फॉर्म कर देले पांच मार्क पड़ी जीवो। सेहिते में पजल्स टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट। क्या गोटे सेट आप कंप्लीट करदे, आप चार्टा कि पांचटा जहाँ क्वेश्चन थी आपत करेंगे। आपंकर ओ डबल सी जी एल होगा, आपको आरआई आस आरआई ए आर आई अमीन से रिजनिंग आसो आप इंपोर्टेंट। तो क्लास बिगिन करिया, बहुत आटेटिवली माइन्यूटली आप क्लास अब्जर्व करेंगे। जो आप्रोच आपको शिखा हे से आप्रोच आप मार्क करेंगे कि मुझे केमी क्वेश्चन सल्व करुच्छे है। फर्स्ट आम बिगिन करिया विथ टाइप 1। दीटा टाइप रो आप्रोच आप शिखेबी। टाइप 1 हूँ, प्रथम टाइप हूँ आपंकर टिक क्रॉस मेथड। टिक क्रॉस मेथड बहुत प्रॉपर्ली कथा गुड़ आप शुणे और जी आप नोट आप कॉपी पर नहीं लिखिदेवे। फर्स्ट आम आप्रोच शिखिया टिक क्रॉस मेथड। यहाँ हूँ गोटे पे एक्चुअल क्वेश्चन सेट फ्रॉम, यहाँ हूँ क्वेश्चन टा हूँ ओ डबल एस सी स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर प्रिलिम्स सेटा एक्चुअल क्वेश्चन सेट। यही वर्ष जो परीक्षा होता प्रिलिम्स तार एक्चुअल क्वेश्चन टाटा, ठीक अच्छे। मार्क करेंगे जो मुझे कहली टाइप 1 प्रथम आप्रोचा हूँ टिक क्रॉस मेथड। जो पजल रे आपको सबू डाटा सबू इनफर्मेसन आपको नेगेटिव दिहित केमी दिहित नेगेटिव सेन्स मार्क माइ वर्ड्स भेरी केयरफुली। सबू इनफर्मेसन देखो नेगेटिव दिहित नट 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 सबू चार्टा आपको पॉइंट दिहित सब नेगेटिव दिहित। फर्स्ट आप माइंड स्ट्राइक कर कि मुझे टिक क्रॉस मेथड अप्लाय करी। कौटी टिक क्रॉस मेथड अप्लाय करेंगे जो सबू डाटा और मेजोरीटी, जदि सबू ना तो मेजोरीटी, जदि मेजोरीटी डाटा आपको दिखाई नेगेटिव सेन्स नेगेटिव सेन्स टिक क्रॉस मेथड अप्लाय करेंगे। केमी अप्लाय करेंगे तार आप्रोच कौन से अपेक्षा आपको शिखेबी। देखो बोले केमी आम क्वेश्चन सल्व करा के स्मार्टली आपे के क्विकली आ पजल्स। हाँ आ गोटे जिनस क्लास बिगिन कराया जेहतु पजल रे पिला असुविधा फेस करती पजल्स सेटिंग अरेंजमेंट है ना। सब बेले आज क्लास टाइम खाली मुझे केवेटा कहेनी, बट आज क्लास से कौन ना प्रति सेटा को फास्ट आप निजे अटेम्प्ट ने क्लासटा को चेक करूँ गोटे पेड क्लास भाया जमी गोटे मोबाइल आप्रे आप चेक कर गोटे पेड क्लास सेमी चेक करूँ। क्लास को पज कर दिंतु सेट आप आगे अच्छी फास्ट आप अटेम्प्ट ने ना कौन ना आप किसी लाभ हेनी क्लास करना आज है। आज फर्स्ट ए सेट को आपन निजे अटेम्प्ट ने चेक करेंगे मुझे कली तापर सेकेंड टाइम सी सेट को अटेम्प्ट ने बुझे टू टाइम्स प्रति सेट को अटेम्प्ट ने थे मुझे आगु थे मुझे ताल एक्चुअल बेनिफिट मिल। टोटाल आम तीन टा क्लास करिया पजल्स दुईटा क्लास करिया सेटिंग अरेंजमेंट रेक आप सफिसीयंट बियंड आप दरकार नहीं। ओके बहुत गप हो गया स्टार्ट करिया। देखो मु एक्सपेक्ट करुचे कि आपण वीडियो पॉज करना सेटा को फास्ट निजे अटेम्प्ट ने एक्चुअल सेट ऑफ ओ डबल स्टेनोग्राफर है। आप अटेम्प्ट ने अबिका आम स्टार्ट करिया। ए बी सी डी ई बिलोंग टू फाइव डिफरेंट सिटीज पी क्यू आर एस टी नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ओब्वियसली नॉट नेसेसरली से ऑर्डर नुह ना सेट सॉल्व करा किसी ना जब ऑर्डर था। हाँ ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी फर्दर इट इज गिवेन दैट चार्टा पॉइंट आपको देला है से बेसीस आमको ये क्वेश्चन टाक आंसर करमी करिया। देखो जेहेतु सबू डाटा दिहित नेगेटिव सेन्स
फर्स्ट आप टेबुल फर्म करेंगे ए बी सी डी ई ठीक अच्छे आउे कौन दिखाई देखो पी क्यू आर एस टी है फाइव सिटीज अच्छी सिटीज आप दिखाई पी क्यू आर एस टी देखु मुझे टेबुल केमती फर्म करी देखु मुझे आप टेबुल फर्म करी फर्स्ट गोटे टेबुल फर्म करदे देखु शिखत आप्रोचा परफेक्टली सब जिनस क्लास शिखिजे जदि क्लास एंड जाए देखुं जहा जहा कथा कहा जदि प्रति कथा को मार्क करुँचे चान्स ना परीक्षा गोटे भी क्वेश्चन मिस हम जदि कोई बैंकिंग स्टूडेंट्स भी चेक कर आज क्लास आप्रोच शिखे नेक्स्ट क्लास सेट के अटेम्प्ट ने शिखिजे जदि कोई बैंकिंग एस्पिरेंट भी क्लास देखते क्या बहुत सारा पिला बिलो दि एज अफ थर्टी से स्टेट एग्जाम भी दूसरे बैंकिंग परीक्षा भी दूसरे बैंकिंग एस एस सब दूसरे पिला देखो ओके केमती आम अटेंड देखो सब डाटा दिखाई नेगेटिव आपको मुझे तीन टा पॉइंट कह टिक क्रॉस मेथड जो टिक क्रॉस मेथड अच्छी तीन टा आपको बेसिक पॉइंट कह प्रथम जिनस जदि गोटे रो रे कि गोटे कलम रे टिक आप गोटे रो रे कि गोटे कलम रे टिक आप निज हिसाब से मारिदेवे आपण निज हिसाब से मारिदेवे जदि सब जिनस क्रॉस हो गला गोटे जगह बंचीगला आप टिक मारिपारे और बैचान्स जदि गोटे डाटा परीक्षा दिखाई तेल आपठ टिकारे कौन कहे आप क्लीयर हो सल्व कला आप पॉइंटा क्लीयर हे मुझ कला जोटा मुझे कहली सेकेंड पॉइंट हूँ जदि गोटे टिक पड़गला कौ बाक्स कौ भी गोटे बक्स जदि गोटे टिक पड़गला तापर से ही रो आ कलम सब जिनस क्रस पड़ज थर्ड जिनस हूँ आपणकर जोटा हूँ ये मानने कौन हिडेन इनफर्मेसन सब लास्ट आप यूज करेंगे जो इनफर्मेसनटा हिडेन अच्छी ताको सब एंड रे यूज कराव जहाँ जब पॉइंट क्लीयर है क्वेश्चन सल्व कला बेले आपको क्लीयर हो कौन कह चाहे देख बी एंड सी डू नॉट बिलॉन्ग टू क्यू बी आउ सी डू नॉट बिलॉन्ग टू क्यू मार्क करूँ बिले बी एंड सी डू नॉट बिलॉन्ग टू क्यू ये आम पकड़ा कस क्या डू नॉट लिखाई डू नॉट बिलॉन्ग टू क्यू सो ये देखो बी आउ सी बी बिलॉन्ग करनी क्यू को सी भी बिलॉन्ग करनी क्यू को सो ये मुझे क्रॉस पकई पारि जहाँ कहली मुझे गोटे गोटे पॉइंट को मुझे क्लीयर करना जी आप बस क्लास अटेंटिवली देखो बी एंड ई डू नॉट बिलॉन्ग टू पी एंड आर बी एंड ई डू नॉट बिलॉन्ग टू पी एंड आर माने बी आउ ई पी को बिलॉन्ग करना आर को बिलॉन्ग करना माने एठी बी आउ पी एठी क्रॉस पड़ो बी आउ ई कथा कहला सो ई आउ पी एठी क्रॉस पड़ो है डू नॉट बिलॉन्ग टू पी एंड आर अबिका देखो आर रे बी एंड आर एठी क्रॉस पड़ला ई एंड आर एठी क्रॉस पड़ला कहीं ना कही बी एंड ई डू नॉट बिलॉन्ग टू पी एंड आर ठीक अच्छे क्लियर हो जाए थर्ड पॉइंट ए एंड सी डू नॉट बिलॉन्ग टू आर एस एंड टी ए एंड सी देखो ए एंड सी डू नॉट बिलॉन्ग टू आर एस आउ टी आर रे नहीं माने ए आउ आर जो इंटरसेक्शन टा क्रॉस पड़ो आर रे ए एंड सी कथा कही सी भी एठी सी एंड आर देखो ये क्रॉस पड़ला कहीं ना कही ए एंड सी डू नॉट बिलॉन्ग टू आर एस एंड टी है मैंने देखो ए एंड आर क्रॉस पड़ला सी एंड आर क्रॉस पड़ला तापर एस रे ए एंड सी एस रे एठी देखो एस रे क्रॉस पड़ला एठी क्रॉस पड़ला सी एंड एस क्रॉस पड़ला आर एस एंड टी कथा कही ए एंड टी एठी क्रॉस पड़ला आउ सी कथा कही सो एठी क्रॉस पड़ला क्लियर हो स्टूडेंट्स हाँ क्लीयर होके डी एंड ई डू नॉट बिलॉन्ग टू क्यू एंड टी डी एंड ई डू नॉट बिलॉन्ग टू क्यू एंड ई माने डी एंड ई एठी क्रॉस क्यू एंड टी कथा कही ई भी है क्यू एंड टी डी अच्छे एठी सो क्रॉस ई अच्छे एठी क्रॉस जहाँ जहाँ चारटा पॉइंट रे नॉट नॉट लिखाई मुझ से ही हिसाब से खाली क्रॉस पकई दे जो जो बक्स बाक्स गुड़ा इंटरसेक्शन रे अपीयर करुच्ची मुझे खाली क्रॉस पकई दे आपन को असुविधा होना आप बुझीप ठीक से सो अबिका मार्क करूँ कौ कौ जगह बचला ये देखो पे ये मार्क करूँ एगा ये देखो चार्टा क्रॉस पड़ जाए चार्टा डबार क्रॉस पड़ जाए खाली गोटे डबा बचला ये आप टिक पकेबे
एठी आपन टिक पकेबे आ जदि गोटे टिक पड़ी गला ताहले सेही रो आ सेही कॉलम रे बाकी सब क्रॉस पड़ी जीवो सेही रो आ सेही कॉलम रे बाकी सब क्रॉस पड़ी जीवो देखो सब तो क्रॉस अछि एठी भी क्रॉस पकेबो पड़ियो कने गोटे टिक पड़ी सारलानी हैला ओके तापर देखंतु सेकंड रे चारिटा एठी क्रॉस अछि गोटे बंची जाय छी एठी मु टिक पकेबी जदि गोटे टिक पड़ी गला ताहले सेही कॉलम आ सेही रो रे सब क्रॉस पड़थिबो सब ऑलरेडी क्रॉस हेना अछि हैला ओके अबिका देखंतु एठी गोटे जगह बंचिला एठी हैला एठी गोटे जगह बंचिला सो एठी पड़िवो टिक आ जदि गोटे टिक पड़ी गला सेही रो आ सेही कॉलम रे सब क्रॉस पकेयो पड़िवो एही रो रे देखंतु गोटे बंची छी सो एठी मु क्रॉस पके देबी क्लियर होची स्टूडेंट्स हां अबिका देखंतु आ कोन हैला एठी देखंतु टी केस रे एठी चारटा जाक देखंतु एठी गोटे आ एई तीनटा क्रॉस पड़ी जाई छी गोटे जगह बंची छी सो एठी पड़िवो टिक आ जदि टिक गोटे पड़ी गला सेही रो आ सेही कॉलम रे सब क्रॉस पकेयो पड़िवो सेही कॉलम रे सब क्रॉस अछि रो रे गोटे बंची क्रॉस पके ताले एठी गोटे बंचिला एठी पड़िवो टिक हैला ताले आपनकर मैपिंग हे गला देखंतु ए होची ए करेस्पोंड करूची कहाकु ए होची क्यू बी करेस्पोंड टी कहा बी करेस्पोंड करूची कहाकु टी कु सी करेस्पोंड करूची पी कु सी करेस्पोंड करूची पी कु डी करेस्पोंड करूची आर कु डी करेस्पोंड करूची आर कु ई करेस्पोंड करूची एस कु ई करेस्पोंड करूची एस कु आपनको पजल सॉल्व हे गला आपनकर पजल सॉल्व हे गला ठीक अछि आहुरी क्विक करी हंता मु खाली आपनको बुझै बुझै के खेली बोली टिके टाइम लागिला हला ओके देखो यदि आपन अप्रोच सिखि पारले केमिति मु कहली मु कोन कहली यदि सब डाटा आपनको नेगेटिव दिया हेतियो ताहाले टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करिवे यदि आधरु गोटे कि दीटा इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव सेंस रे पळे आसला ताहाले हम ए मेथड यूज करियानी बुझछंती देखंथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट सी बिलोंग्स टू पी सी बिलोंग्स टू पी देखंथ सी बिलोंग्स टू पी एटा तो करेक्ट अछि एटा करेक्ट अछि नॉट करेक्ट पचार छी डी बिलोंग्स टू आर देखंथ डी आर देखंथ एटा करेक्ट अछि दिस इज करेक्ट ए बिलोंग टू क्यू करेक्ट अछि ए टिक पड़ छी बी बिलोंग टू एस बी देखंथ बी बिलोंग टू एस नाइ एटा क्रॉस पड़ छी बी आ एस टा क्रॉस पड़ छी बी बिलोंग टू व्हाट बी बिलोंग टू टी एट देखंथ मु लिखि दिली बी बिलोंग टू टी सो एटा रॉन्ग हबो कहना कहि छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सो ऑप्शन डी हबो करेक्ट ऑप्शन डी आपण मार्क करिवे एटा होच एक्चुअल क्वेश्चन ओ डबल एस सी स्टेनो 2023 माने 2024 से परीक्षा आइतला बे 4th फेब्रुअरी को परीक्षा आइतला 4th फेब्रुअरी को प्रीलिम परीक्षा आइतला तार एक्चुअल क्वेश्चन एटा ठीक अछि प्रथम अप्रोच आपण क्लियर हला टिक क्रॉस मेथड या ऊपर हमें आहुरी सेट्स करिया बट क्लास नंबर 2 रे करिया आज होछि आपनकर कोन आज होछि क्लास नंबर 1 आज मु आपनको प्राइमरीली करबी सेही सेट गुडा जोडा ऑलरेडी ओडब्ल्यूएससी एग्जाम्स रे ओडिसा एग्जाम्स रे अपीयर कर सडछ हला ओके सो ये गला एटा आपण प्रथम सेट देखिले सेकंड सेट को मूव करिया नेक्स्ट क्लास रे मु आपनको या ऊपर प्रैक्टिस सेट्स करबी आपनको आउट के क्लैरिटी मिलबो हला फिर भी आपण बुझि दिबे आदर नेक्स्ट सेट नंबर 2 एटा होछि एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम ओडब्ल्यूएससी सीजीएल 2023 ठीक अछि ये 23 रो एक्चुअल क्वेश्चन एटा हला परीक्षा हेतला परीक्षा डेट होची 14/5/2023 रे प्रीलिम्स परीक्षा हेतला ओडब्ल्यूसीजीएल रो हैला ए सेट आपन पई जो क्लास गुडा आपन पई इंपोर्टेंट ओडब्ल्यूएससी एग्जाम्स पई ओपीएससी एग्जाम्स पई आरआई एआरआई अमीन पई भी माने ओट्रिपलसी पई रीजनिंग जो परीक्षा आछी ता पई क्लासेस इंपोर्टेंट ओके ये तो हैला क्लियर फर्स्ट सेट को आपन नेबे अटेम्प्ट तापर मु करबी यदि निजे आपन अटेम्प्ट नो नांती ताहले किछि लाभ नै क्लासेस पई ए क्लासेस गुड़ा कि लाभ हावन देख 6-10 6-10 देखता फास्ट आप चिंता करेंगे ये मु टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करी कि मुझे कही सब डाटा नेगेटिव दिखाई ताल टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करा जब गोटे भी जिनस पजिट पलै आसला कि गोटे कि दुटा पजिट सेन्स पलै आसला ताल मुझ टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करी जोड़ी सब डाटा नेगेटिव दिया है सेठी बेस्ट मेथड हूँ टिक क्रॉस मेथड जो सब डाटा नेगेटिव दिया है ये देखो सब डाटा नेगेटिव अच्छी बिले मार्क करूँ ये विकास डज नॉट तापर ये देखो ये डज अच्छी
दिस इज पॉजिटिव सेंस दिखाई दैट इज डज नॉट ये देखो थर्ड थर्ड डाटा पॉजिटिव दिखाई दुटा डाटा पॉजिटिव आसाइलानी थर्ड रे देखो ये आपंकर सिक्स डाटा भी पॉजिटिव दिखाई दिस डज ऑन मंडे मैं दुटा तीन टा डाटा पॉजिटिव सेंस दिखाई जदि सब जिनस नेगेटिव था ताहले आपण टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करते बट जदि दुटा कि तीन टा जिनस पॉजिटिव सेंस पल आसलानी ताहले आम यूज करिया एठे भी आम शिखिया सेकेंड अप्रोच है टाइप टू यहाँ हूँ मेथड नंबर टू आउ यार ही देहरे आमर मेजोरीटी क्वेश्चन सॉल्व हम ये मेथडटा कहते टेबल टेबल मेथड और ग्रिड ग्रिड अप्रोच और टेबल मेथड और मैट्रिक्स मैट्रिक्स मेथड आप जहाँ भी कहीपर है टेबुल ग्रिड कहींपर मैट्रिक्स कहींपर जहाँ कहींपर ठीक अच्छे सो बिगिन करिया केमी आप आटेम्प्ट ने देखो केमी आप टेबुल आप टेबुल फर्मेसन ही मेजोरीटी पजल्स थाए देखो केमी आम क्वेश्चन टाक सीमलेसली करपर फाइव रूममेट्स रोहन सलीम तन्मय उमेश विकास इच डू वन हाउसकीपिंग टास्क लिखाई मपिंग स्वीपिंग लॉन्ड्री वैक्यूमिंग डस्टिंग एंड ओनली वन डे अ वीक मंडे थ्रू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे ठीक अच्छे तापर आपको बाकी पॉइंट्स गुड़ा लिखा है सो ये आप टेबुल अप्रोच केमी आटेम्प्ट ने देखो केमी आटेम्प्ट ने किसी क्वेश्चन सामने कले आपको आईडिया आउट क्लीयर हे है क्वेश्चन रू ही आपंकर लर्निंग हम बट फास्ट आप निजे आटेम्प्ट ना कथा किए किए अच्छा देखते पिला पिला किए अच्छा फाइव रूममेट्स जड़े अच्छी रोहन आउ जे अच्छी सलीम तापर जड़े अच्छी तन्मय तापर जड़े अच्छी उमेश आउ जे अच्छी विकास ठीक अच्छे ये जन अच्छा आउ टे प्रॉपरली ऊपर लिखिद ताकि आमको स्पेस मिल जाव आउ थे लिखुच टी ऊपर लिखुच्छे ताकि आमको स्पेस मिल रोहन अच्छी सलीम अच्छी तन्मय अच्छी उमेश अच्छी विकास अच्छे ठीक अच्छे तापर इच डू वन हाउसकीपिंग टास्क एम कर टास्क ये मुझे लिखी टास्क ठीक अच्छे टास्क तापर आउ गोटे कौन पैरामीटर अच्छी आउ गोटे अच्छी डेज ऑफ वीक ठीक अच्छे ये मुझे लिखी डेज एतिक रो पैरामीटर अच्छी पिला अच्छा से माने किसी टास्क वीक रो को डे रे गोटे करतीक तो तीन टा ही पैरामीटर अच्छे है अबिका एतिक लिखला पर एठी आपण आउ गोटे कलम मार्क करेंगे जोटा हूँ नेगेटिव ठीक अच्छे ये आप नेगेटिव इनफर्मेशन जहाँ दिया आम यही कलम लिखिया नेगेटिव इनफर्मेशन जहाँ दिया आम यही कलम लिखिया है ओके अबिका देखु ये मुझे करदे डैश करदे ताकि मुझे फिलअप करी बुझे पिले यहाँ हूँ एतिक पिला अच्छा टास्क कर डे अफ विक्रे कर जहाँ नेगेटिव इनफर्मेशन थी मुझे ये लिखी है यहाँ गोटे निज आड़ आप एक्सट्रा जिनस बनइबे नेगेटिव गोटे कलम बनइबे ताकि इजी हम जल्दी आप क्वेश्चन फिलअप करेंगे ओके देखो विकास डज नॉट वैक्यूम एंड डज नॉट डू दिस ऑन ट्यूसडे है डज नॉट माने कौन नेगेटिव कथा कहला विकास कहला विकास माने वी है नेगेटिव कौन दिखाई वैक्यूम सो ये आम लिखिया वैक्यूम वैक्यूम नेगेटिव है क्रॉस पकई क्रॉस पकड़ा दरकार नहीं आप जानते नेगेटिव लिखा हो स्टिल प्रथम सेट बोली क्रॉस पकई आउटी मिले है सो विकास वैक्यूम करूनी है एंड डज नॉट डू दिस ऑन ट्यूसडे माने ये ट्यूसडे भी आसवनी ट्यूसडे भी आसवनी ठीक अच्छे बहुत सारा स्टूडेंट्स कौन करती यहाँ लिखिले यही सैड्रे छोट छोट लिखिदेवे बट ताठू बेटर आप नेगेटिव गोटे कलम करेंगे आपड़ आहुटे आप क्वेश्चन फास्ट हम देख ये है सलीम डज दि डस्टिंग एंड डज नॉट डू इट ऑन मंडे और फ्राइडे सलीम डज डस्टिंग सलीम रो टास्क हूँ डस्टिंग डस्टिंग अलरेडी दिया है सो लिखु ये सलीम डस्टिंग करुच्ची एंड डज नॉट डू इट ऑन मंडे और फ्राइडे माने मंडे हबनी एठी मंडे हबनी आउ फ्राइडे हबनी एटा नेगेटिव कलम रे मु लिखली तापर मपिंग इज डन ऑन थर्सडे मपिंग इज डन ऑन थर्सडे माने एटा एक्चुअली कौन थर्ड पॉइंट आप
हिडन इनफर्मेशन एटा होची हिडन इनफर्मेशन मु आपन कोन कहितली हिडन इनफर्मेशन को हम लास्ट रे यूज करिया हला सो गोटे ब्लॉक रे खाली लिखि दियंतु मॉपिंग थर्सडे मॉपिंग एट लिखि दियंतु एटा एक्स्ट्रा इनफर्मेशन टा जोटा हमें को टेबल रे भी पुट करि परियानी ताकु बाहर लिखा हो पूरा अप्रोच मार्क करंतु पिले मॉपिंग को दिन अछि थर्सडे मॉपिंग थर्सडे ठीक अछि ओके ये गला तापे तन्मय डज हिज टास्क व्हिच इज नॉट वैक्यूमिंग ऑन वेडनेसडे वेडनेसडे दिन करूची तन्मय तन्मय करूची टास्क वेडनेसडे ए डायरेक्ट इनफॉरमेशन दिया है जी हैला टास्क सॉरी एटा डे कथा कहै छै ना तन्मय टास्क 8 लिखा बने ओके 1 सेकंड बिले बस तन्मय रो डेट दिया है जी हैला देखौं तन्मय केबे करूची डस इज टास्क व्हिच इज नॉट वैक्यूमिंग ऑन वेडनेसडे तन्मय रो होची दिनटा दिया है जी डायरेक्ट वेडनेस डे ठीक अछि वेडनेसडे एंड व्हिच इज नॉट वैक्यूमिंग हैला नॉट लिखा है जी सो नेगेटिव कथा कहा जाय छी सो एठी वैक्यूमिंग से करूनी वैक्यूमिंग रे मु क्रॉस पकेबी ठीक अछि लॉन्ड्री इज डन ऑन फ्राइडे एंड इज नॉट डन बाय उमेश हैला माने उमेश पाखरे हैला लॉन्ड्री आउ फ्राइडे लॉन्ड्री इज डन ऑन फ्राइडे एंड नॉट बाय उमेश माने उमेश पाखरे लॉन्ड्री हबनी आउ फ्राइडे हबनी हैला एठी आपनकर लॉन्ड्री आउ फ्राइडे एटा हबनी हैला नेगेटिव लिखली लॉन्ड्री फ्राइडे एटा को आपन एठी भी लिख दे परिवे दिस इज लॉन्ड्री एंड फ्राइडे हैला एटा जोठी भी आसीबो गोटिए ब्लॉक रे आसीबो हैला एटा किए करूनी उमेश करूनी हैला सो उमेश आपन एठी करंतु उमेश नेगेटिव पकंतु आपन एठी भी लिखले बुझे बुझा पडुची लॉन्ड्री सहित फ्राइडे आसुची गोटिए ब्लॉक रे जोठी भी जीव गोटिए ब्लॉक रे पडिबो हैला ये वाला लास्ट इनफॉरमेशन हमें पढ़े असले रोहन डज हिज टास्क ऑन मंडे डायरेक्ट इनफॉरमेशन दिया है जी रोहन एटी असला मंडे एटी आपन मंडे पकांतो ठीक अछि मंडे असला अबिया क्वेश्चन सॉल्व हे गेला हैना मार्क करंतु पहिले देखंतु एटी गोटे लिखा है जी एटी लिखा है जी एटी भी लिखा है जी हैना आ एई दीटा ब्लॉक डायरेक्टली अछि दीटा डायरेक्टली ब्लॉक रे अछि सो ब्लॉक हमर ए गोटे ब्लॉक खाली अछि ए गोटे ब्लॉक खाली अछि बाकी कोन एटी गोटे फिल अप होई छि एटी फिल अप होई छि एटी फिल अप होई छि सो ए दीटा ब्लॉक ऊपर जाई परिवनी अरे मो कथा क्लियर होची आपनकु एठी जेहेतु गोटे गोटे फिल अप हेची सो एईटा जोठी भी जीवो एई दीटा एका संगे जीवो ता माने आइदर एठी जाई परिवो एठी जाई परिवो सेटा हमें चेक करियो पडियो एई केस रे आपनकर लॉन्ड्री फ्राइडे आसीबोनी देखंतु उमेश केस रे लॉन्ड्री आ फ्राइडे आसीबोनी एटा कुहाय जाई डायरेक्टली ता माने उमेश केस रे मॉपिंग आ थर्सडे आसीबो हला दिस इज मॉपिंग एंड थर्सडे एटा आसला उमेश केस रे कहना लॉन्ड्री आउ फ्राइडे आपन को आसीबोनी नेगेटिव सेंस भी कुहा हितला ओ एठी म आपन लिखि भी देथले एक्स्ट्रा ठीक अछि ता माने जदी एडी आसलानी आ गोटिए ब्लॉक बंचिला ताले एटा को फिल अप करय पडियो भाईडी दिस इज लॉन्ड्री एंड फ्राइडे राइट ये हे गला अबिया देखंतु डेज रे ऑलरेडी चारटा फिल अप हे गलानी आ गोटिए बंचिला मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हे गला आ खाली गोटिए डे बंचिला कोन मंडे थ्रू फ्राइडे कहला क्वेश्चन रे ता माने खाली ट्यूजडे बचला आ गोटिए जगह खाली अछि सो दिस इज ट्यूजडे हैला अबिका देखंतु टास्क केस रे वैक्यूमिंग ता एठी हे परिवनी वैक्यूमिंग जदी एठी हे परिवनी गोटी जगह आपण ऑब्वियसली एठी हो माने ऊपर हो ना सो एठी आपण लिखे वैक्यूमिंग हैला आउ कोन बचला 1 2 3 4 चारटा टास्क हे गला आपण टोटल पांचटा टास्क अछि आउ को टास्क बची गला देखंतु पिले मॉपिंग हे गला लॉन्ड्री वैक्यूमिंग डस्टिंग डस्टिंग हे गला स्वीपिंग बंचला ताल स्वीपिंग टा आईडी आसीबो दिस इज स्वीपिंग हला अबिक आपण एति की फिल अप कर देले आपणकर पांचटा क्वेश्चन हे गला 6 रु 10 पांचटा क्वेश्चन हे गला हार्डली केत सम लागि थन रे मु आपण को बुझेई बुझेई कलि बोली आपण कहि परबे 3 4 मिनिट नेली मु आपण को बुझेई बुझेई प्रति पॉइंट को लिखिली बोली परीक्षा रे आपणकर 3 मिनिट्स और 4 मिनिट्स से मैक्सिमम आपण कर दे पाइबे 3-4 मिनिट आ 5टा क्वेश्चन हे गला एटी बुझले सेटा होची बेनिफिट ऑफ डूइंग पजल्स ओके एटा तमा कर देले अबिका या ऊपर बेस्ट क्वेश्चन उडा में कर दवा क्वेश्चन देखम 6 रु 10 कोन कहि छी व्हिच टास्क डस तन्मय डू ऑन वेडनेसडे तन्मय देखंतु वेडनेसडे दिन कोन करू छी स्वीपिंग सो दिस इज स्वीपिंग आपण देखले ना एटी
एट देख तन्मय वेटनेस दिन करुच स्वीपिंग सो यहाँ हूँ स्वीपिंग व्हाट डज उमेश व्हाट डे डज उमेश डू हिज टास्क उमेश ता टास्क कौ दिन करुच देख उमेश कड़े गला पे उमेश हूँ यू है उमेश कौन कही उमेश व्हाट डे कौ दिन करुच उमेश करुच थर्सडे ये देख उमेश थर्सडे सो दिस इज थर्सडे व्हाट टास्क डस विकास डू विकास कौ टास्क कर चेक करिया विकास ये अच्छी है विकास कौन करू टास्क टास्क हो दिस इज लॉन्ड्री विकास करुच्ची लॉन्ड्री ऑप्शन डी व्हाट डे इज वैक्यूमिंग डन वैक्यूमिंग कौ दिन करा देखो ये टास्क कौटी वैक्यूमिंग अच्छी अच्छी है कौ दिन पचार सो दिस इज मंडे है मंडे दिन हूँ वैक्यूमिंग केबे होची व्हाट डे मंडे ऑप्शन बी व्हेन डज सलीम डू द डस्टिंग सलीम डस्टिंग कौ दिन कर देख सलीम कड़े गला एस सलीम डस्टिंग करुची कौ दिन करुची दिस इज ट्यूजडे सलीम डस्टिंग करुची केबे ट्यूजडे ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक ओके ये सरला अभी का नेक्स्ट सेट को मूव करिया एटा आपनकर ओ डबल एस सी सी एच एस एल एक्चुअल सेट है एक्चुअल सेट आज एक्चुअल सेट आपको कराऊँ ताकि आप जानपारे कि ओडिशा एग्जाम से कौ लेवल पजल आस नेक्स्ट क्लास से सब पजल्स मुझे मो सैड करी आज टी आप जान जातु कि परीक्षार यही लेवल क्वेश्चन आसपे आम ताबल कि वन स्टेप ऊपर लेवल प्राक्ट करा थर्ड सेट करूँ अटेम्प्ट बस क्लियरली विजिबल हो पी क्यू आर एस टी वि डब्ल्यू हाँ ये देखो तो, पी क्यू आर एस टी यू भि डब्ल्यू ना है यूटा देखाई नहीं ठीक अच्छे तो प्रॉपर्ली देखो सेवेन स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल ईच फर्स्ट आप अटेम्प्ट नि फर्स्ट आप अटेम्प्ट आपंतु अटेम्प्ट कर पी क्यू आर एस टी वि डब्ल्यू आर सेवेन स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फर्स्ट आपन नहीं थे अटेम्प्ट कंप्लीट है ना तापर मार्क करूँ कौ अप्रोच मुझे क्वेश्चन रे अप्रोच बहुत इंपोर्टेंट जो अप्रोच आपको शिखा हो कि टेबल्स वॉइस क्लियर अच्छे हाँ ठीक अच्छे जो अप्रोच करुच्ची टेबल फॉर्मेशन से इंपोर्टेंट के जल्दी आप पजल्स गुड़ा से आप जिन डिटरमाइन कर कहीं देखो गोटे पजल सेट आप क्वेश्चन आसा देखो क्वेश्चन आसव क्वेश्चन मानने पांचटा क्वेश्चन यहाँ हूँ ओ डबल सी एच एस एल एटा हूँ सी एच एस एल एक्चुअल रिजनिंग एक्चुअल सेटा यहाँ ओ डबल एस सी रहा ओ डबल एस सी एक्चुअल क्वेश्चन टाइटा ठीक अच्छे गोटे सेट करदे पांचटा क्वेश्चन आप दूसरी सो के जल्दी यहाँ करा करा पड़ी से बेस इंपोर्टाट तो आप्रोच मार्क करूँ देखो मुझे करूँ से ही जिनस को आपको मिमिक कर देखो पी क्यू आर एस टी आर सेवेन स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल पी क्यू आर एस टी वि डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी वि डब्ल्यू ठीक अच्छे टे प्रपर्ली देखिए गोटे सेकेंड पीरियड टी गैप देना लिखिया ताकि आपको आगे भल हम बुझे पी क्यू आर एस टी वि डब्ल्यू ठीक अच्छे ओके स्टूडेंट्स है गले तापरे स्टडीड इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स फोर रु टेन एति स्टैंडर्ड्स एंड नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर एंड ईच ऑफ देम हैव वन फेवरेट सब्जेक्ट ओके पैरामीटर्स कौन कौन अच्छा गोटे तो स्टूडेंट हो गले आउट हूँ स्टैंडर्ड ठीक अच्छे स्टैंडर्ड तो मैं ये लिखली स्टैंडर्ड एस टी डी है जो स्टैंडर्ड ये होट इज वन पैरामीटर आउ गोटे पैरामीटर कौन अच्छी
सब्जेक्ट राइट। तो आउ गोटे पैरामीटर हूँ आपंकर सब्जेक्ट ठीक अच्छे ओके ठीक है। तो मुझे आउ गोटे पैरामीटर आप निज आड़ फिक्स करेंगे जोटा हूँ नेगेटिव नेगेटिव इनफर्मेसन जहाँ दिया थी आप कलम लिखे ठीक अच्छे। यहाँ मुझे गोटे इनपुट देती पढ़ला बेले कि पजल सॉल्व करेंगे नेगेटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट्स नेगेटिव ये इनफर्मेसन गोटे कलम आप बनदेवे है ताकि आप जिनस गुड़ा हेट लिखिदेवे आपंकर पजल टी जल्दी सॉल्व होके। सो टेबुलटा फॉर्म करदे पी तीन टा जगह क्यू पाई तीन टा जगह आर पाई तीन टा प्लेस एस पाई तीन टा प्लेस टी तापर हूँ आप फाइनाली डब्लू बस है सांगे सांग पढ़िया आउ वन बाय वन लिखिया। क्यू स्टडीज इन सेवेन स्टैंडर्ड एंड डज नॉट लाइक आइदर मैथ और ज्योग्राफी ओके देखो कौन कहला क्यू स्टडीज इन सेवेन स्टैंडर्ड मैंने स्टैंडर्ड ये गोटे डायरेक्ट इनफर्मेशन दिखाई है डायरेक्टली टेबुल पुट करूँ डायरेक्ट इनफर्मेशन डायरेक्टली टेबुल पुट कर दे पारे क्यू कौन स्टडीज इन सेवेन स्टैंडर्ड क्यू रखु सेवेन स्टैंडर्ड ये आपको दिहला है यहाँ डायरेक्ट दिगला एंड डज नॉट लाइक मैथ और ज्योग्राफी यहाँ हूँ नेगेटिव। सो नेगेटिव आम लिखिया मैथ और ज्योग्राफी तमें ये मैथ है आप क्रॉस लिखिपारे और क्रॉस लिखा दरकार भी ना कहीं आम बुझुचार यहाँ हूँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव कलम बोली आप बुझुच्च स्टिल जेहे प्रथम क्लास मुझे नेगेटिव पकई दूँ क्रॉस मैथ हेनी आउ ज्योग्राफी हेनी ज्योग्राफी हेनी बस। आर लाइक्स इंग्लीश डायरेक्ट इनफर्मेसन डायरेक्टली टेबल पुट करूँ आर लाइक्स आर होची इंग्लीश राइट एंड डज नॉट स्टडी आइदर इन स्टैंडर्ड भी और एक्स भी और फाइव और नाइन्थ डज नॉट स्टडी आइदर मान यू आई एक्स ये हम नेगेटिव ठीक अच्छे ये पढ़ूनी राइट आर कथा गला ये गला पजल रे जहाँ जहाँ आप पढ़े आपको लिखा पड़ो कौट ना कौटी मैंने पिक्टोरिया लिखा पड़ो वन सेकेंड पे वन सेकेंड कौन लो हो गया बैटरी हाँ चार्जिंगटा खसी जाता बेले है बैटरी लो देखा हाँ देखो कौटी थी आम भि एक्सटा कौटी थी भि एक्स हाँ यही लाइन थी ना ये देखो आर आर कथा होता डज नॉट हाँ एट लगता है एट स्टार्ट हो आर स्टडीज इन एट स्टैंडर्ड मैंने डायरेक्ट इनफर्मेशन दिहला मैंने टी स्टडीज टी कथा कहला स्टैंडर्ड एट्थ ठीक अच्छे स्टैंडर्ड एट्थ ठीक अच्छे स्टैंडर्ड एट्थ हो गला एंड लाइक्स हिंदी मैंने यहाँ भी डायरेक्ट दिखाई टी हूँ हिंदी ठीक अच्छे हिंदी होगा The one who likes science studies in X. मैंने टेन्थ पढ़ुचे है ओके। सो यहाँ हूँ हिडन इनफर्मेसन द वन टा किए यहाँ कौ पा कहनी मैंने यहाँ हूँ हिडन इनफर्मेसन ये लास्ट यूज करा जो फास्ट आपको लिखी मुझे तीन टा पॉइंट प्रथम पजल कला बेलू ये आपको तीन टा पॉइंट मुझे लिखी थी कमी आप्रोच ने कही थर्ड पॉइंट कि हिडन इनफर्मेसन को आम लास्ट यूज ना ठीक अच्छे ये देखो कही द वन हू स्टडीज साइंस हू लाइक साइंस स्टडीज इन टेन्थ तो मैंने यहाँ हिडन इनफर्मेसन अच्छी सो यहाँ को लास्ट यूज करा बट ताक आप लिखि दिं गोटे जगार ये देखो साइंस आउ एक्स मान एक्स आउ साइंस मान टेन्थ सहित साइंस जीव बुझे। सो ए दीटा गोटे ब्लक पड़ो है गोटे ब्लक पड़ो कहीं द वन हू लाइक साइंस स्टडीज इन एक्स तो यहाँ जो भी जी गोटे ब्लक पड़ो तापरे एस स्टडीज इन फोर्थ स्टैंडर्ड एस डायरेक्ट इनफर्मेशन दिखाई एस कड़े गला स्टडीज इन फोर्थ स्टैंडर्ड है डब्लू लाइक्स संस्कृत डब्लू लाइक्स संस्कृत सब्जेक्ट रे लिखा हे संस्कृत है संस्कृत लिखा हे पी डज नॉट स्टडी इन एक्स स्टैंडर्ड पी डज नॉट नेगेटिव कथ कई कौ स्टैंडर्ड एक्स मैं टेन्थ पढ़ूनी टेन्थ ये नेगेटिव पकाचे है टेन्थ पढ़ूनी आउ द वन हू लाइक्स ज्योग्राफी स्टडीज इन फिफ्थ है मैंने फिफ्थ ना मैंने भि भिटा हूँ फाइव भि कौन हूँ हू लाइक्स
ज्योग्राफी स्टडी दिन मैंने यहाँ हूँ करेस्पोंड कर ज्योग्राफी को मैंने भि आउ ज्योग्राफी गोटे ब्लक पड़ो ठीक अच्छे सो एक जिनस लिखाही जोटा को आम पूरा नहीं आसली टेबल रे ठीक अच्छे अबिका मार्क करते पे यहाँ हूँ गोटे ब्लक यहाँ हूँ गोटे ब्लक ए दुटा गोटे मैंने जो पड़ो एका सांगे पड़ो तो एमती एका सांगे वाला जगह कौटी अच्छे यहाँ गोटे जगह अच्छे जो दुटा जिनस पकई पारे आउ गोटे कौटी खाली अच्छे पी रे पी रे आउ भि देखु भि आउ पी रे दुटा जगह खाली अच्छे जो आम यहीटा को पुट कर पार बट टे कंडीशन मार्क करूँ ये कहुई एक्स सहित जीव साइंस बट ये तो कहुई पी एक्स पढ़ूनी पी टेन्थ पढ़ूनी बोली कहुई ताने ये एक्स आउ सटा पी के आसवानी तमें ओभीयसली ये आसो कहीं गोटे आईदर यर ये दुटा को पुट कर पार जेहेतु यही पार्टा फर्स्ट्रे आसवानी कहीं नेगेट कराई कंडीशन सो ये आम पुट कर कौन एक्स एंड दिस इज साइंस साइंस एंड ये वी एंड ज्योग्राफी वी आउ ज्योग्राफी गोटे ब्लक पड़ो तो गोटे ब्लक ये अच्छी सो दिस इज वी एंड मैंने फाइव आउ ज्योग्राफी ये हो गला अबिका देख ये जिनस टेक् केयर नहीं गले ए जिनस को आम यूज करदे इरेज करदे मुझे अलरेडी मुझ यूज करदेली अबिका मार्क करूँ मैथ आउ ज्योग्राफी ये हेनी ठीक अच्छे मैथ आउ ज्योग्राफी ये हेनी ज्योग्राफी अलरेडी आसाला मैथ ये हो पारन तमें मैथ ओभीयसली ये हम अरे बुझंदा ना मैथ आउ ज्योग्राफी आपंकर क्यूरे आसवनी ज्योग्राफी अलरेडी ये आसाला मैथ कौटी आसनी ये मैथ आसी पार्वनी कहुई तो मैंने मैथ ओभीयसली ये आसो मैथ ओभीयसली ये आसो ठीक अच्छे तो मैंने अबिका देखूँ सब सब्जेक्ट हो गला गोटे सब्जेक्ट बचला गोटे गोटे कौ सब्जेक्ट अच्छे गोटे आ कौ सब्जेक्ट अच्छे देखूँ सब्जेक्ट भितर सब आम यूज करते खाली हिस्ट्री यूज करना है सो ये पड़ो हिस्ट्री ठीक अच्छे ये पड़ा हिस्ट्री आउ देखु ये क्लासेस भितर स्टैंडार्डस भितर आप ये नेगेटिव कंडीशन मार्क करूँ आम यूज कराया पड़ो ये आपंकर फाइव हो पार्वनी नाइन हो पार्वनी ठीक अच्छे फाइव अलरेडी ये यूज हो सारा है नाइन्थटा कौटी यूज हो कि नाइन्थ कौटी यूज होनी नाइन्थ कौटी यूज होनी और नाइन्थटा ये यूज हो पार्वनी तमें ओभीयसली गोटे जगह बचला सो ये यूज हे नाइन्थ है सो सब स्टैंडार्ड यूज होगा गोटे बचला है कही क्लास फोर्थ रू क्लास टेन कौ पार्टा बचीगला बेले क्या गोटे जगह खाली अच्छी सो बचीगला आपंकर सिक्स्थ दिस इज सिक्स्थ राइट सब जिस फिलअप हो गला आउ किसी बचे नहीं राइट स्टैंडार्ड फिलअप हो गला सब्जेक्ट फिलअप हो गला अभी क्वेश्चन को मुव करिया व्हिच स्टैंडार्ड डस डब्लू स्टडी डब्लू कौ स्टैंडार्ड में पढ़ू मार्क करूँ ये हाँ व्हिच स्टैंडार्ड डस डब्लू स्टडी देखो डब्ल्यू पढ़ू लैपटॉपटा बिले बंद होता है कौन असुविधा होमर पावर में मैंने लैपटॉप गोटे कौन प्रॉब्लम हो जाए टेक्निकली बंद हो मझे मझे क्लासटा आप डिस्टर्ब हो देखो क्वेश्चन थी व्हिच स्टैंडर्ड डब्ल्यू स्टडी डब्ल्यू कौटे पढ़ू स्टैंडर्ड नाइन्थ तो यहाँ हम ऑप्शन बी नेक्स्ट तापर हाँ क्वेश्चन व्हिच सब्जेक्ट डस पी लाइक पी को सब्जेक्ट लाइक करुच पी लाइक करुच ज्योग्राफी दिस इज ज्योग्राफी व्हिच सब्जेक्ट डस एस लाइक एस को सब्जेक्ट लाइक करुच एस लाइक करुच मैथमेटिक्स व्हिच स्टैंडर्ड डस पी स्टडी पी को स्टैंडर्ड पढ़ू पी पढ़ू भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट इज करेक्ट है या भितर कौटा करेक्ट यहाँ तो करेक्ट ना आपंकर ऑप्शन डी इज करेक्ट जो हूँ भि एक्स आउ साइंस देखो भि एक्स आउ साइंस यही कम्बिनेसनटा ही करेक्ट बाकी कम्बिनेसन करेक्ट ना बाकी आप कम्बिनेसन आप चेक करेंटा करेक्ट ना टी एट आउ मैथमेटिक्स करेक्ट ना चेक करूँ टी सहित हिंदी अच्छी मैथमेटिक्स ना तापर डब्लू सेवेन संस्कृत देख से ना डब्लू सेवेन संस्कृत से ना नाइन्थ अच्छे तापर क्यू सेवेन्थ ज्योग्राफी ना देखु क्यू सहित ज्योग्राफी ना है सो फाइनाली आप ऑप्शन एटा ही करेक्ट अच्छे है ओके ये सरला लास्ट सेट एटा हूँ आपंकर आज लास्ट सेट एटा आम करापर नेक्स्ट क्लास रेस्ट सेट्स डिस्कस करिया एटा आपंकर एक्चुअल सेट कह रहा भी गोटे ओ डबल एस एग्जाम एटा दिस इज ओ डबल एस सी अमीन अमीन रोटे एक्चुअल सेट एटा आप ट्राए करूँ फर्स्ट आप अटेम्प्ट मुझे करदेवी सांगे सांग।
बस वॉइस आउट ठीक सांगे सांगे नियंतु अटेम्प्ट वीडियो फर्स्ट पॉज करना फर्स्ट नीचे सेट गोटे अटेम्प्ट ने तापर मु करी सेवेन लेक्चर से टे भल लेवल सेट अच्छी फर्स्ट आपण नियंतु अटेम्प्ट आपण नेले अटेम्प्ट एटा होची आपणकर स्टूडेंट्स एटा होची आपणकर लास्ट सेट है ना एटा सारिया आज पजल क्लास ओवर करिया है ओके देखो एटा होची पिले आपण जहां मु कहली एटा होची ओ डबल एस सी अमीन प्रिलिम्स रो एक्चुअल क्वेश्चन ठीक अच्छे सो सीजीएल रे भी आपण रीजनिंग रे ए टाइप रो सेट एक्सपेक्ट कर परिवे ए डिफिकल्टी लेवल रो है यदि बैंकिंग स्टूडेंट आपण तहले एटा आपण कहि परिवे ए डिफिकल्टी लेवल होची क्लर्क मेंस है क्लर्क मेन्स रिजनिंग पजल जो अच्छे से ही लेवल कहींपर देखो मुमी आटेम्प्ट नौ आप देखिए कि मुमी आटेम्प्ट नौ से ही जिनस को आपन को मिमिक कर बस मार्क करेंगे कि मुझे आप्रोच केमती नौ क्वेश्चन के प्रपरली मुझे सल्व कर देखो देर आर सेभेन लेक्चरर्स है ये थे गोटे कर्सरी ग्लांस ने सेट उपरे प्राइमेली आप बुझीपड़ कि आमको गोटे टेबुल फर्मेशन कर सेभेन लेक्चर्स अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाऊँच आउ तीन टा स्लाब रे हला सैलरी डिवाइड होती तीन टा स्लाब रे गोटे होची 3 to 5, 6 to 8, 10 to 13 देयर सैलरीज इन लाक्स आर इन होल नंबर्स नाउ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एटा होल नंबर्स रे अच्छी पिले डाटा होल नंबर रे अच्छी पॉइंट रे नहीं पॉइंट रे कौन ना मैंने इनफाइनाइट हो सॉल्व कर पारियानी ठीक अच्छे जब पॉइंट रे पलै आसला ओके सो होल नंबर अच्छे क्वेश्चन स्पेसीफाई कंडीशन मेंशन करछि एंड नो टू पर्सन्स हैव सेम सैलरी नाउ दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट को दि जनकर सैलरी सेम नो है ना ओके देयर आर थ्री पर्सन्स ओके फर्स्ट तमे टेबलटा फॉर्म कर दो टेबल देखंतु टेबल केते अछंती सात जन अछंती ने देखंतु एथरो टिके मते स्पेस दरकार सेति पई मु एमि लिख दोछ हला मु रो वाइज रे टेबल फॉर्म करी कलम वाइज कले कौन ना स्पेस आम पलब स्पेस किल हो स्पेस बचाक मुझे करुँच परीक्षा जमी भी करें ए बी सी डी ई एफ जी मु पिले रो वाइज टेबल फॉर्म करुँच बट आप कलम वाइज करें मत आप पढ़ेर अच्छी से मत कम स्पेस ताकि बारंबार जाकर लिभाक पड़ोनि देखे सब्जेक्ट दिखाई आ गए कौन सैलरी दिखाई ओके सो एठी हमें लिखिया सब्जेक्ट्स है ना लिखी सैलरी है ओके टेबुलटे करदे गोटे बेसिक टेबुलटे अच्छा गोटे बेसिक टेबुल गोटे करदे अच्छा ये गला फाइन बेसिक टेबुलटे करदे ओके ठीक अच्छे अच्छा सो ये हमें टेबुलटा को बस फिलअप करापर जहाँ जहाँ डाटा दिखाई आज हिंट्स लिखि चलत हिंट्स हिसाब से लिखि चलत बस मुझे कहली मो अप्रोच मार्क करूँ मुझे केमती अप्रोच नौ देर आर थ्री पर्सनस इन द सैलरी स्लैब 10 to 13 जहाँ जहाँ लिखाई मुझे नोट कर चलुँ है आमको बारंबार सेट को जवाब पड़ोनि 10 to 13 भितर 10 to 13 सैलरी स्लैब भितर हेला देर आर थ्री पर्सनस ठीक अच्छे एफ अर्नस 12 lakhs ये गोटे डायरेक्ट पीस ऑफ इनफर्मेशन दिखाला है ये लिखिद 12 एफ रार दिगला ठीक अच्छे अबिया किसी पिला एफ देखिकिना कनेक्टिंग सेन्टेन्स आप्रोच जी मैंने एफ कौटी आपिययर करुच्च से अनुसार बढ़िया स्टार्ट करेंगे बट से आप्रोच को आम जी अबिका है आज आप क्लास नंबर 1 मुझे बेसिक आप्रोच ही करना देखा देखो माने जो कनेक्टिंग सेंटेंसेस को लिंक करना मर्ज करना सॉल्व करिया सेटा आपको सेकंड क्लास में देखेबी आज आप अप्रोच मुझे बिल्ड करुच्ची बेसिक वे सॉल्व करुच्ची देखो अर्नस 12 lakhs ये गला बी एंड जी अर्न लोअर देन एफ सैलरी इन द सेम स्लैब नाउ दिस इज इंपोर्टेंट इन द सेम स्लैब माने बी जी अर्न लोअर देन एफ इन द सेम स्लैब माने सेम स्लैब रे लाइक करुचंती बी जी आउ एफ ठीक अच्छे बी जी आउ एफ सेम स्लैब रे लाइक करुचंती आउ
लोअर देन एफ है समस्त सैलरी होल नंबर रे अच्छी बिले ताले जदि एफ रो बार होची ताले बी आउ जी रो कोन हेतिवो 11 आउ 10 हेतिवो मार्क माय वर्ड्स वेरी केयरफुली बिले बी आउ जी रो केते हेतिवो लोअर देन एफ कहिची 11 आउ 10 हेतिवो बट 11 कहारो 10 कहारो सेटा स्पेसिफाई करनी सेटा स्पेसिफाई करनी खाली लोअर देन एफ हमहु कहै त माने एटी मु लिखि दउ छी हिंट्स रे बी आउ जी बी स्लैश जी कहिना मु जाननी बी आउ जी भितरु कहार अधिया कहार कम मु जाननी बट एम माने डेफिनेटली लोअर देन एफ एटा मु लिखि देली तीन जन सेम स्लैब रे लाइक करचोंती क्लियर होजी बिले ओके ये गला हमरो हां डी अर्न्स मोर देन ओनली 1% हु टीचेस इकोनॉमिक्स ओके डी अर्न्स मोर देन ओनली 1% हु टीचेस इकोनॉमिक्स के पढौछ इकोनॉमिक्स मते जाना नहीं सो दिस इज इको ठीक अछि ओके एटा क्वेश्चन मार्क दे छि बिले दिस इज क्वेश्चन मार्क प्रॉपर्ली कर दो नल नै पिला को कन्फ्यूजन हो ओके दिस इज इको ठीक अछि ये वाला सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चले डी अर्न्स मोर देन ओनली 1% हु टीचेस इकोनॉमिक्स ये वाला पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री अर्न्स मोर देन द वन हु टीचेस केमिस्ट्री पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री ओके केमिस्ट्री चले केमिस्ट्री को सी लिखि देबे नि बिले सी लिखले देखो तो पर्सन रो ना गोडा एबीसीडी लिखाय छि सो केमिस्ट्री को सी एच ई लिखले हला केमिस्ट्री अर्न्स मोर देन वन हु टीचेस ज्योग्राफी दिस इज मोर देन ज्योग्राफी एंड देयर एनुअल इनकम इज 15 lakh पर एनम इन द सेम स्लैब नाउ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट इन द सेम स्लैब सेम स्लैब रे ये केमिस्ट्री अधिक अच्छी ज्योग्राफी टू इन द सेम स्लैब स्लैब हमारे कितने अच्छी पिले गोटे हूँ 3-5 6-8 10-13 स्लैब मैंने हूँ कौन रेंज सही रेंज रे है ओके 15 lakh आमको ब्रेक करार अच्छे केमिस्ट्री ज्योग्राफी टू अधिका ठीक अच्छे आउ सेम स्लैब रे लाइक कर चिंता कले कौन हो पार कहले सेम स्लैब रे रहा दरकार ये दुटा सम करना 15 ना ये 6-8 भितर 8-7 मिसिकिना 15 हो जाऊ सेम स्लैब भी रोचे है सो यहाँ आम गोटे पसबिलिट रहा 10-13 भितर कौ दुटा नंबर को आड करना 15 हो पार कहीं सेम स्लैब कथा कही मुठी 10-5 नहीं पारे डिफरेंट स्लैब हो जाएगा सेम स्लैब कथा कही पसबिलिटी गोटे ही मो पाखे बचुच्छे जोटा हूँ 8-7 कहीं सेम स्लैब कही तो 6-8 स्लैब नेली क्लियर हो स्टूडेंट्स देर आर 2% ओनली इन द सैलरी स्लैब ऑफ 3-5 3-5 भितर देर आर 2% ओनली 2% कही ठीक अच्छे यहाँ मुझे लिखिदेली हिंट हिसाब से पर्सन हु टीचेस हिस्ट्री अर्न्स लोअर देन एफ पर्सन हु टीचेस हिस्ट्री ओके हिस्ट्री अर्न्स लोअर देन एफ एफ रे लिखी ना ये एफ रे लिखी 12 माने दिस इज एफ रे लिखी दूसरे ये 12 माने 12 lakh दिस इज हिस्ट्री अर्न्स लोअर देन एफ एंड हायर देन हु टीचेस बायोलॉजी हायर देन वन हु टीचेस बायोलॉजी हायर देन वन हु टीचेस बायो है बायो इन द सेम स्लैब नाउ दिस इज अगेन इंपोर्टेंट इन द सेम स्लैब मैंने देखो आउ टे आगे ये लिखी बेले ये डिनसर लिखी थे दिस पार्ट है कि बी आउ जी लोअर देन एफ अच्छा ये आम लिखी थे आगे आगे उपरे पढ़ी आम बी आउ जी लोअर देन एफ अच्छा पर जानना बी आउ जी भितर किए कम किए अधिका है ये कहला बायो हिस्ट्री लोअर देन व्हाट लोअर देन एफ मैं 12 lakh रु कम अच्छा मैंने ओबियसली जेहतु सब गुड़ा होल नंबर रे अच्छी सो हिस्ट्री तो हम 11 बायोर हम 10 एटा मुझे जानी पारे कहीं सब होल नंबर अच्छे कहुई सब गुड़ा होल नंबर रही है 12 टू कम रहा दरकार सेम स्लैब रहा दरकार आ होल नंबर रहा दरकार सो 11 आउ 10 ही पसबिलिटी क्या सेम स्लैब कही ओके अभी आम कि जानी ना बी आउ जी भितर कौटा हम बायो आउ कौटा हिस्ट्री एटा आम एवं सियोर होना तो छाड़ू नेक्स्ट मूव करिया एफ डज नॉट टीच फिजिक्स एफ रे फिजिक्स आसुनी सो फिजिक्स फिजिक्स को ये क्रॉस मारली देसुन ना आपन ओ गोटे काम करिया ये गोटे काम कर लिखुच फिजिक्स फिजिक्स ये क्रॉस मारुच पे एफ रे क्रॉस मारे फिजिक्स हवानी है ओके ये गला टोटल
इनकम ऑफ जी एंड ए एंड बी एंड ई होची 70 लाख 19 लाख रेस्पेक्टिवली ओके जी एंड ए मिसिकिना हवा कथा केते 70 लाख बी आउ ई मिसिकिना हवा दर केते 19 लाख रेस्पेक्टिवली अच्छा अच्छा ओके अबे का देखंतु जी आउ बी कथा इटी आसीला हला यांकर सम ता हवा दरकार हमरो जी आउ ए रो कोन ते लिखाई देखंतु 17 दिस हैज टू बी 17 एंड यांको सम हवा दरकार 19 ठीक अछि हमकु दरकार कोन हवा दरकार ओके हमें जानि चंती ए माने सेम स्लैब रे रहउचंती ठीक अछि त माने पॉसिबिलिटी कोन हि परिवो जी रो जेहेतु जी टा हमें जानि चंती लेस देन एफ त माने पॉसिबिलिटी हि परिवो जीरो वैल्यू कोन हि परिवो 11 हि परिवो और 10 हि परिवो धरंतु मु 11 नउछि जदि 11 पॉसिबिलिटी मानिबी चिंता करन तु मुंडरे 11 जदि एटा हला जदि जी टा को मु 11 नेली एटा केते हबो सो दैट सम हवा दरकार 17 एटा हबो 11 प्लस 6 11 आउ 6 बेसिकली 17 हो जाउछ राइट माने 11 आउ 6 मिसिकना 17 हो जाउछ राइट ओके जदि जी टा 11 नै गली तले बी टा 10 करियो पडियो हला बी टा 10 नै पडियो जदि बी टा पिले 10 मार्क मे वर्ड्स वेरी केयरफुल पिले बी जदि 10 हला ई हैज टू बी 9 जदि बी टा को कहिना जदि जी टा 11 हला ओबवियसली बी टा को 10 नै पडियो सेम स्लैब रे रहउछंती एफ जी आउ बी सो 10 प्लस 9 हवा दरकार 19 हवा पे 9 बट 9 रो गुटे को स्लैब अछि कि 9 रो स्लैब अछि कि अरे एटा दि बी टा को 10 नेबी ईटा को 9 नौ पड़ियो कि नहीं 9 नौ पड़ियो 9 को स्लैब अछि इडी 3 रु 5 अछि 6 रु 8 अछि 10 रु 9 अछि 9 तो नहीं स्लैब रे सो ओबवियसली से केस 10 आ 9 वाला केस हबनी त माने एटा को मु नेबी 11 जदि बी टा होची 11 तहले ईटा केते हबो ईटा हबो 8 ईटा हबो 8 तहले एटा होची बी रो 11 हे गला ई रो 8 हे गला तहले जी रो आमे नबा 10 एंड दिस हैज टू बी 7 सैटिस्फाई कर जाउ छी बुझिले बिले काहे के एटा 11 आ 6 नेलनी क्लियर हो छी हां सो एटा हे गला त माने सब जिंस क्लियर हेला एथरो सो बी रो सब जिंस एथरो हमर एती पार्ट हे गला क्लियर तापर डिफरेंस बिटवीन एनुअल इनकम ऑफ डी एंड सी हो छी 2 लाख्स ओके सो अबिका प्राय जिंस हमर क्लियर हे गला जी रो होची 10 लिखि दो आमे जी रो होची 10 जी कोडे गला एठी हला जी रो होची 10 बी रो होची 11 बी रो होची 11 ए रो होची 7 ए रो होची 7 ई रो होची 8 ई रो होची 8 राइट एती पार्ट हे गला प्ले क्लियर हला तापर आखल दीटा नंबर बचला एठी दिहाई जोडे डिफरेंस बिटवीन एनुअल इनकम ऑफ डी एंड सी होची 2 लाख्स डी एंड सी होची 2 लाख्स आ मु ए जिंसडा बे यूज करनी डी अर्न्स मोर देन ओनली 1% हु टीचर्स इकोनॉमिक्स ओनली 1% टू डी अधिका आ मात्र दीटा ही बंची छी दीटा ही बंची छी आ एट लास्ट लाइन देखंतु डिफरेंस होची डी आउ सी रो 2 लाख्स त माने ओबवियसली डी जेहेतु अधिका अछि त माने डी रो हबो 5 आ यार हबो 3 हला मोर देन 1% हु टीचर्स इकोनॉमिक्स कहि छी त माने सी पढौ छी इकोनॉमिक्स एतिक मते क्लियर हे गला ठीक अच्छे एतिक मत क्लीयर हो गला है प्रोफेशन रे भी देखु 10 जी हम सी हूँ बायोलोजी 10 रोचे बायोलोजी 10 रायोलोजी 11 रोचे हिस्ट्री 11 हिस्ट्री है हिस्ट्री हो गला आउ कौन जिनस 8 7 हूँ 8 आउ 7 हूँ आप केमिस्ट्री आउ 8 हूँ केमिस्ट्री देखु 8 हूँ केमिस्ट्री 7 हूँ ज्योग्राफी 7 हूँ ज्योग्राफी 7 पड़ गला एटी दिस इज ज्योग्राफी है सब जिन सल्व होगा आउ फिजिक्सटा ये रही कही एफ रे फिजिक्स रही मैंने फिजिक्सटा ये दिस इज फिजिक्स आउ गोटे कौ सब्जेक्ट बचला क्या गोटे बाकी रहा कौन बचला देखो अरे मो सब्जेक्ट बचला बा मैथ बचला मैंने मैथ ये ठीक क्लियर है स्टूडेंट्स हाँ सेट बुझिपारे आप क्लर्क मेन्स लेवल सेट मैंने बैंकिंग कथ मुझे कहूँ तो यहाँ ओडबल सी अमीन आसाला केत आराम से क्वेश्चन सल्व करदे आपको बुझे बोले टाइम लगेगा जदि आपर सब पजल्स क्लास करुँच मत लगुच सेट गुड़ा आपको कराया मैक्सीम 3-4 मिनिट्स मैक्सीम 3-4 मिनिट आउ वन्स आप जो सेट जदि कम्प्लीट जदि यहाँ फर्म करदे आपर क्वेश्चन जो दिखाई क्वेश्चन 5टा क्वेश्चन थी यहाँ बेस 5टा क्वेश्चन अच्छी 5 क्वेश्चन अच्छी वन्स आप जिनसा हो गला क्वेश्चन खाली या देखिकिना आप क्वेश्चन मारे हैला हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स टीचर्स फिजिक्स
फिजिक्स पचारा फिजिक्स किए पढ़ू देखो फिजिक्स किए डी ये मारे डी है एमती क्वेश्चन आप सल्व करेंगे कौन है वन्स टेबुल फर्म होगा आराम से करदे पारे टेबुल फर्मिंग हूँ मेन पार्ट सो ये आज प्रथम क्लास पजल्स आपड़ कम्प्लीट सब सेट्स चेक करेंगे आप्रोच के निहाँ चेक करेंगे आउ निजर फीडबैक कमेंट डेफिनेटली देवे कि क्लास भल लगुच ना खराब लगुच ना अति खराब लगुच है ना बस ये आगे कमेंट्स डेफिनेटली करेंगे एत हाई लेवल क्लास आपको दिहु भल कंटेंट प्रोवाइड करा है सो जदि आप एफर्ट फ्री अफ कस्ट जिन कराऊँगी एफर्ट ठीक लगुच गोटे कमेंट आप करेंगे तो ये मत भल लगे आमको मोटिवेटेड लगे आप आहरी भल लेवल कंटेन्ट आने को थैंक यू सो मच। हाँ पे गोटे जिनस कह भूलीगली हाँ गोटे जिन पे कह भूलीगली यू रेस कर हाँ देखो पे यहाँ हूँ आपंकर रिजनिंग चलती देखो यहाँ आपंकर कौन चल रिजनिंग है रिजनिंग कंप्लीट प्लेलीस्ट आम चैनल अच्छे यहाँ बैच चली कंप्लीट है रिजनिंग बाकी टॉपिक्स गुड़ा आप रिजनिंग प्लेलीस्ट चेक करदे ये आप बाकी टॉपिक्स जब मोटू बढ़िया रहे आप पढ़ी पारे ठीक अच्छे बस।